हेलो डियर फ्रेंड्स, एलन्स की नोट के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एलन्स की नोट में से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस सेशन को सुनने से पहले अपनी एलन्स की नोट ज़रूर खोलें और एलन्स की नोट को अपने पास रखिए, ताकि जो जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूं वो ईज़ली आपको अंडरस्टूड हो जाए। आपने आर्सेनिक को बहुत बार पढ़ा होगा। आर्सेनिक में चेस्ट की जब प्रॉब्लम आती है, एस्थमेटिक अटैक आता है, तो उसका एक खास सिम्टम है कि वो लेट नहीं सकता, बेचैनी होती है, टिक कर नहीं बैठ सकता, हीट से उसे रिलीफ है, रात को प्रॉब्लम बढ़ती है। उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसके अंदर उसकी जो एग्रेवेशन है वो हो जाती है। This is specially the case of asthma or a respiratory problem. But बहुत बार ऐसा होता है कि जब liver involvement हो जाए या heart की involvement हो जाए, उसके बाद जब चेस्ट में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसको हाइड्रोथोरेक्स बोलते हैं, आर्सेनिक इंडिकेटेड है मगर आर्सेनिक के सिम्टम नहीं है। आर्सेनिक इंडिकेटेड है बट आर्सेनिक के सिम्टम्स नहीं है। बट हमें पेशेंट को मेडिसिन तो देनी है, तो हम उसको रूल आउट कैसे करेंगे, ये सबसे जरूरी है। और अगर हमें रूल आउट नहीं करना आता तो फिर हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। आर्सेनिक की जो मोडेलिटी है उसको अपने ध्यान में जरूर रखिए। आर्सेनिक की मोडेलिटी में हीट एमिल्योरेशन है, रेस्ट एग्रेवेशन है इन बेड, ये मोडेलिटी है आर्सेनिक की। अब अगर आपके पास एलन्स की नोट है तो आप एक मेडिसिन खोलिए, वो है मर्क सल्फ, मर्क्यूरियस सल्फ्यूरिकस, उसको पढ़िए क्या लिखा है। डॉक्टर एलन्स ने इसमें लिखा है कि हाइड्रोथोरेक्स इफ अक्रिंग फ्रॉम हार्ट और लिवर डिजीज। आर्सेनिक नो डाउट कि वो पूरे के पूरे सिस्टम पर वर्क करती है, मगर हमें थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना होगा कि अगर सिम्टम सिमिलैरिटी नहीं है तो हमें सिमिलर रेमेडी की तरफ बढ़ना है, हमें आर्सेनिक को नहीं प्रिस्क्राइब करना। तो इसमें बहुत सारी रेमेडीज हैं जो एक जैसी हैं मगर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मर्क्यूरियस सल्फ्यूरिकस में लिखा है कि हाइड्रोथोरेक्स इफ अक्रिंग फ्रॉम हार्ट एंड लिवर डिजीजेस, अगर वो हार्ट या लिवर डिजीजेस की वजह से, उसके पीछे रीजन, क्योंकि यहां पर मैंने पहले भी अपने एक सेशन में आपके साथ डिस्कस किया था, डॉक्टर बोगर ने जो की नोट्स दिए उसकी जो इंट्रोडक्शन थी उसमें उन्होंने केस टेकिंग का कुछ
पार्ट बताया था, उन्होंने ये कहा था कि ट्राई टू फाइंड द एविडेंट कॉज ऑफ द डिजीज, कि वेन एवर यू आर टेकिंग ए केस ट्राई टू फाइंड ए एविडेंट कॉज. दिस इज नॉट अ सिंपल कॉज, दिस इज ए एविडेंट कॉज. आपको यह पक्का होना चाहिए कि यह प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से ही पैदा हुई है. एविडेंट कॉज, वी हैव टू फाइंड द एविडेंट कॉज ऑफ द डिजीज, देन वी हैव टू गो फॉर मोर्टेलिटी. तो यहां पर आर्सेनिक में क्या है, आर्सेनिक में जो चेस्ट की प्रॉब्लम आती है, जो हाइड्रोथोरेक्स की प्रॉब्लम आती है, दैट इज कॉज्ड बाय लंग्स, लंग्स डिजीजेस. इट मे बी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज, इट मे बी एस्थमेटिक प्रॉब्लम, बट मोस्टली आर्सेनिक कवर द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इफ देर इज ए हाइड्रोथोरेक्स. बट मर्क्यूरियस सल्फ्यूरिकस में जो प्रॉब्लम पैदा होती है वो हार्ट या लिवर की वजह से पैदा होती है. बट डिस्निया, यहां देखिए बिल्कुल सिमिलर, आर्सेनिक और मर्क जो सल्फ्यूरिकस है बिल्कुल सिमिलर चल रही हैं. डिस्निया हैज टू सिट, कैनोट लाई डाउन. आर्सेनिक में भी ऐसा ही है, वो लेट नहीं सकता, has to sit. This symptom, अब देखिए उसके next पैरे में लिखा है, when it act well produce a profuse watery diarrhea with great relief to the patient. आर्सेनिक में भी ऐसा ही होता है, but डॉक्टर ने जो डॉक्टर लिपि है वो लिखते हैं, it is an important as arsenic in हाइड्रोथोरेक्स. बिल्कुल आर्सेनिक की तरह, जैसे आर्सेनिक इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंस मर्क सल्फ्यूरिकस रखती है. बट सिमिलर पैटर्न, एब्सोल्यूटली सिमिलर पैटर्न. और आप कंफ्यूज हम यहां पर हो जाएंगे कि अब हमें क्या करना है. बट वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन सिम्टम, वी हैव टू मेक बेस according to the situation. Find the evident cause. Evident cause is very very important in the selection of remedy. अगर आपको evident cause नहीं मिलता तो उसको छोड़कर modalities की तरफ बढ़िए. तो modalities में mercurius और arsenic में फर्क क्या है? Merc is aggravation by heat, amelioration by rest in bed. Arsenic is ameliorated by heat but aggravated in the heat or rest in the bed. बिल्कुल opposite, absolutely opposite हैं एक दूसरे के. Modality यहां पर सबसे important रहेगी, सबसे ज्यादा important. So these both remedies are running parallel to each other in the case of hydrothorax but with opposite modalities. और डॉक्टर लिपे ने इसके अगर आपने मर्क सल्फ्यूरिकस दी है तो उन्होंने साफ कहा है कि अगर आपकी मेडिसिन सही है और हाइड्रोथोरेक्स का पेशेंट है तो उसको दस्त लगेंगे और पेशेंट रिलीफ हो जाएगा. और डॉक्टर केंट की डॉक्टर केंट ने तो नहीं दी थी, डॉक्टर केंट ने तो उसको दोबारा मॉडिफाइड किया था. दिस इज हैनेमेनियन ऑब्जर्वेशन, दिस इज हैनेमेनियन ऑब्जर्वेशन कि फर्स्ट स्लाइट एग्रवेशन देन परमानेंट रिलीफ ऑफ द पेशेंट. दीज 12 ऑब्जर्वेशन गिवन बाय हैनेमन, उसके बाद उसको केंट ने एक्सप्लेन किया था.
सबसे पहले ये डॉक्टर हैनेमन ने दी थी, और आप इसे क्रॉनिक डिजीज के जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है वहां पर पढ़ सकते हैं. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन ऑफ दीज टू रेमेडीज. और होप सो कि आप एलन्स की नोट को बार बार पढ़ेंगे. एलन्स की नोट आज के टाइम में क्विक प्रिस्क्रिप्शन अगर आप सीखना चाहते हैं, स्पेशली न्यू कमर्स के लिए, इससे इम्पोर्टेंट बुक होम्योपैथी में कोई नहीं है. बट वी हैव टू लर्न रीड एंड रीड एंड रीड. हमें इसे बार बार पढ़ना होगा. सो अगर आपको ये सेशन, आपको ये एलन्स की नोट अच्छा लगता है तो आप इसको, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, ताकि और बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर इस सेशन से जुड़ सकें और हम एलन्स की नोट को बार बार डिस्कस करते रहें, ताकि जो प्रॉब्लम न्यू कमर्स को इन क्लिनिक आती हैं वो धीरे 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 चली जाएं. थैंक यू सो मच.